बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में हैं जो कि बायोपिक पर बनी है। ऐसे में बस चैलेंजिंग होता है उस किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारना। लुक और अपीयरेंस वाला काम तो फिर भी मेकअप आर्टिस्ट निपटा लेते हैं, लेकिन किरदार को और बायोपिक वाले शख्स के साथ न्याय करना तो लीड रोल में एक्टर या एक्ट्रेस पर डिपेंड करता है। और वही जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने की कोशिश ही फिल्म को सफल या असफल बनाती है। शाबाश मिथ्थू भी एक ऐसी ही कहानी है जहां तापसी पन्नू ने जिम्मा उठाया है पूर्व भारतीय महिला कप्तान मिताली राज के किरदार को निभाने का। फिल्म में मिताली के रोल को तो तापसी ने अच्छे से निभाया, लेकिन सेकंड हाफ में ढीली पड़ी स्क्रिप्ट दर्शकों को रोकने में कामयाब नहीं हो रही। लेकिन सारा खेल और बिजनेस तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का है और उसके लिए दर्शकों का सिनेमा घर तक पहुंचना भी बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे शाबाश मिथ्थू के डे वन कलेक्शन प्रेडिक्शन के बारे में। मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिथ्थू की चर्चा काफी पहले से हो रही थी। दर्शकों को तापसी की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था जो कि खत्म हो चुकी है। ये भी सच है कि जब जब खेल सितारों पर फिल्में बनी तो अधिकतर फिल्म सफल हुई है। ऐसे में इस फिल्म की अच्छी खासी कमाई का अनुमान तो लगाया गया। इस फिल्म को लेकर रिव्यूज तो काफी ही अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्क्रिप्ट में थोड़ी और स्टोरी में कमी देखी गई है, जिसके बाद फिल्म बिजनेस के जानकारों का मानना है कि 25 से 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म पहले दिन 3 से 4 करोड़ रुपए की ओपनिंग डे करनी चाहिए। हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा। आपको बता दें कि प्रेडिक्शन कहता है कि ये फिल्म फर्स्ट डे ओपनिंग पर 1 करोड़ के आसपास की ही कमाई कर पाएगी। फिल्म में तापसी पन्नू मिताली राज के किरदार में तो वहीं मुमताज सरोकार महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की भूमिका निभा रही हैं। श्रीजीत मुखर्जी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। तापसी पन्नू अपने बलबूते पर फिल्मों को हिट कराने की ताकत रखती हैं, क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। ऐसे में शाबाश मिथ्थू के सफल होने की संभावना अधिक थी, लेकिन अब ये दांव पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि सेम ही दिन पर्दे पर इस फिल्म से टकराई है राजकुमार राव की हिट द फर्स्ट केस, जो कि एक साउथ की रीमेक फिल्म है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है लोगों यानी कि दर्शकों के टेस्ट पर कि वो किस तरह की फिल्म देखना पसंद करेंगे, बायोपिक फिल्म या फिर थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर फिल्म।